टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज पर आज दोपहर में एक कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार किसी और की नहीं बल्कि पूर्व नगर सेवक महेंद्र कुंभलेकर की है। हादसे में महेंद्र कुंभलेकर बार बार बच गए हैं, मगर ऑटो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है और सीने और सर में गंभीर चोटें लगी हैं। जानकारी के मुताबिक महेंद्र कुंभलेकर अपनी कार से ठाणे की तरफ जा रहे थे। जैसे ही मुंब्रा रेलवे स्टेशन ब्रिज पर पहुंचे, ठाणे की तरफ से आ रही ऑटो ने ब्रिज के ऊपर एक बस को ओवरटेक किया और महेंद्र कुंभलेकर के कार से टक्कर हो गई। कार और ऑटो की तस्वीरें देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये एक्सीडेंट कितना भयानक था। गनीमत रही कि दोनों वाहनों में से कोई भी वाहन ब्रिज के नीचे नहीं गिरी, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ऑटो चालक काफ़ी रफ्तार में था, ऐसा बताया जा रहा है कि बस के पीछे ये ऑटो चालक था, मगर अचानक बस को ओवरटेक करके कार के सामने आ गया और ये भयानक हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक मुंबई का है और उसे कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि इस ऑटो में एक महिला भी सवार थी, उसे भी गंभीर चोटें लगी हैं, उसे भी उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही मुंब्रा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। रिक्शा चालक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, मगर वहीं पूर्व नगर सेवक महेंद्र कुंभलेकर बाल बाल बच गए हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।